यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, अगर मैं किसी चीज को सिलेक्ट करता हूँ तो इतने पार्ट पर सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, तो जब तक मैं पूरा नहीं करूँगा तब तक सिलेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ तो सिलेक्शन का पार्ट मेरे पास ऐसा आ जाता है। यहाँ पे नोट को मैंने जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने रिफॉर्मेट यहाँ पे किया, मुझे थोड़ा सा ग्राफ को नीट एंड क्लीन करना है। ना ग्राफ को नीट एंड क्लीन करने के लिए भी मैंने कुछ ऑप्शन बताया था, अगर आप लोग को याद हो। नीट एंड क्लीन कैसे करते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से आप यहाँ पे ये नोट को आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लाइक कैसे आपको मैनेज करना है, लाइक काइंड ऑफ ऐसे कुछ मुझे करना है तो मैं ऐसे भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बेटर वे में रिप्रेजेंट करना, मैं लाइक स्टेट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं भी इसे स्टेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बात सिलेक्शन है, सिलेक्शन को बहुत अच्छे से यूज़ करना है जो भी हम लोग कोई काम करते हैं। यहाँ पे ये डॉट कब आता है, जब आप कंट्रोल प्रेस करोगे तब देखेगा। ठीक है, मर्ज मैंने ऐसे किया, अभी मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करूँ, लाइक ऐसे कुछ करूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लाइक काम करते हो आपको ग्राफ को बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग मॉडलिंग में मैच फ्लो को नीट एंड क्लीन रखते हैं ना, वैसे इसमें ग्राफ को बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा ताकि देखने में अच्छा लगे, आपके साथ आपको जो सीनियर कभी इसमें काम करे तो वो चीज़ को मैनेज कर सके यहाँ पर। ठीक है, अभी हमने देखा सिलेक्शन, सिलेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, लाइक मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे जो यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन एंड बी फॉर ब्लू। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन को मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शन में क्या क्या है। प्लस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जो टूल है, टूल बॉक्स देखें यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर मैंने आपको यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करके रखना है यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ में जाओगे तो ड्रॉ में क्या मिलेगा, जैसे रोटो है, रोटो का पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इमेज में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, रीड आपका किसी इमेज को कॉल करने के लिए होता है, राइट आपका जो होता है वो आपका लाइक रेंडर आउटपुट निकालने के लिए होता है। ठीक है, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे रीड राइट। ठीक है, जैसे हमें कोई आउटपुट निकालना तो राइट यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, रोटो है, रोटो लाइक हमें अभी कोई भी कैरेक्टर को निकालना तो हम लोग यहाँ पे रोटो पेंट करने वाले हैं, तो ये पूरे टूल्स हैं मेरे पास यहाँ पे, रोटो है। ठीक है, ग्रिड है, लाइक नॉइस है, ये सब चीज़ हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लाइक री टाइम करके यहाँ पे कुछ है। ठीक है, टाइम ब्लर है, तो काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सफल कॉपी, ओके, कलर करेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कलर ट्रांसफर, कलर करेक्शन, तो ये थोड़ा सा हमें इन चीज़ को भी देखना है, ब्लर करना है। ठीक है, ब्लर के हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और एज ब्लर है, बहुत से ऑप्शन है, इनको एक एक बार आपको यहाँ पे गो थ्रू करना है, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई मुझे कोई भी काम करना है तो कैसे क्या क्या करेंगे। ग्रीन स्किन हटाना हो तो ग्रीन स्किन हटाने के लिए हम लोग ये ऑप्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइक डिजॉल्व करने का ऑप्शन है, मर्ज करने का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पे मिल कहाँ पर है, इस एरिया पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, हमें यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, तो इनको एक बार ना आपको देखना है। जैसे आप गो थ्रू करोगे आपको यहाँ पे तो आइडिया मिलेगा भाई कैमरा कहाँ पे, तो कैमरा यहाँ पे मिल रहा है, शेडर कहाँ पे, ये 3D का ऑप्शन ही बना के रखा हुआ है, तो 3D का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है यहाँ पे। ठीक है, पार्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डीप क्रॉप करके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, डीप ट्वीट करके है। ओके, तो लाइक क्या क्या चाहिए, अगर आपको स्टूडियो बनाना है, जैसे हम लोग 3D बनाते हैं ना, 3D मूवी देखने जाते हैं, 3D मूवी देखने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टूडियो बनाना पड़ता है। जो भी आप 3D मूवी देखते हो उससे पहले रीवर्क होता है, ये स्टूडियो सारा काम होता है न्यूक में, फ्यूजन में, इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर में सारा 3D बनाया जाता है कि हम लोग ग्लासेस लगा के देख सके और आगे पीछे का डेप्थ देख सके। तो ये सारा ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, व्यू मेटा डेटा यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लाइक क्रिएट करके ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, डॉट्स हैं, इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे। तो लाइक कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेना है, लेकिन FLIN है हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ करने वाले हैं वो जो आपके कोर्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें वो हम लोग इससे रिलेटेड करने वाले हैं। हाँ, एक बार आपको आइडिया मिल जाए, वेल एंड गुड है कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे देखो, हम लोग ने यहाँ पे जो कुछ चेक किया था, RGB, RGB अल्फा, RGB यहाँ पे, ठीक है, sRGB, मर्ज, मर्ज में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे रीफॉर्मेट आपको दिखता है, यहाँ पे रीफॉर्मेट में क्या है, मर्ज में क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो लाइक जो विजुअल करना है वो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक वाइप करके ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पे, लाइक स्टैक अंडर ओवर इस पर रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रीफॉर्मेट, मर्ज दिख रहे हैं यहाँ पे,
तो ये सारे ऑप्शन अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ ऑप्शन होंगे। देखें यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे सिंपल से बात करता हूँ, सेफ जोन, सेफ जोन में क्या चाहिए, टाइटल, ठीक है, एक्शन, फॉर्मेट सेंटर, फॉर्मेट। अभी ये चीज़ अब देखो यहाँ पे दिख तो रहा है लेकिन मेरे पास सेफ जोन है कहाँ, यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे तो मुझे पहले क्या काम करना पड़ेगा, देखो इतना एरिया है, रीफॉर्मेट पर गया मैं यहाँ पे, अगर रीफॉर्मेट को जाके यहाँ पे मैं फॉर ए टाइमिंग डीप्रेस करता हूँ, ठीक है, डीप्रेस कर दिया, डिसेबल हो गया, ठीक है। एस फॉर सेटिंग, सेटिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे, सेटिंग में पहले यहाँ पे सेट करना पड़ता है भाई मुझे चाहिए क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक मैंने 1280 720 किया यहाँ पे, तो जाके यहाँ पे सेट होगा कि भाई मेरे पास चीज़ें हैं कैसे। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे अपने आप सेट हुआ, देखा, सेफ फ्रेम सब कुछ आगे से चलेगा। तो अगर आप लोग कभी ऐसा कुछ स्टार्टिंग में नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, फिर आप कहोगे सर लाइक हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो व्हाट वी वांट, तो हमें सेट करना पड़ेगा। साइज़ मेरे पास देखो, मेरे पास इमेज की साइज़ छोटी है तो मैं इसलिए यहाँ पे छोटे साइज़ के अकॉर्डिंग में डील करूँगा। अगर मेरे पास साइज़ लाइक मेरे पास 1920 है और लाइक और चीज़ें उसके अकॉर्डिंग कम है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही सेटिंग करूँगा, नहीं तो अगर मैं बड़ा करता हूँ तो ये इमेज स्ट्रेच नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे साइज़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे साइज़ की इन्फॉर्मेशन कितना है, 1920 एंड 750 है ना। तो अगर मैं 1920 और 1080 करूँगा तो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हमें उससे नीचे ही लेना पड़ेगा। तो ये पार्ट आपको मिल जाते हैं। इसके बाद ये रीफॉर्मेट है हमारे पास यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या है डिसेबल, ठीक है, यहाँ पे चेक करो रीफॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे बाकी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो फॉर्मेट क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे क्या काम करना है, इन चीज़ों को देखो। यहाँ पे मैंने चेंज किया तो चेंज हुआ, तो यहाँ पे भी चीज़ को रीफॉर्मेट करने के लिए लाइक मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी देखो यहाँ पे मेरे ऑप्शंस क्या है, जो भी ऑप्शन मैं लूँगा यहाँ पे 1280 एंड 720, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इन सबको थोड़ा सा यूज़ करके देखना है कि कैसे क्या काम हो सकता है यहाँ पे। देन यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड डी प्रेस करो, दिख रहा है डिफरेंस। तो मैं चीज़ों को कैसे रीफॉर्मेट कर सकता हूँ और कैसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ प्रॉपर्टी वाइज, ठीक है, कि अगर मुझे ऐसे कुछ डील करना है तो मैं ऐसे डील करने वाला हूँ यहाँ पे, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे लाइक इसे डबल क्लिक किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये पार्ट अगर आपको याद हो, ठीक है, अब देखो इससे बेटर ये लग रहा है, ठीक है, प्रिजर्व और न्यू बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे कर दिया तो मेरे पास ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ने देखा है लाइक कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म करने का आपका जो आइकन जब यहाँ पर आ जाए तो समझ जाओ आपका यहाँ पर चीज़ सही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस तरह से मैंने यहाँ पर मैनेज किया। ओके, क्लियर हुआ।